उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड ने शासन और प्रशासन दोनों पर सवाल खड़े किए। उन्नाव कांड के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या इस देश में जनता के रखवाले ही जनता की परेशानियों का सबब हमेशा बनते रहेंगे। उन्नाव कांड देश में चारों तरफ चर्चा का विषय बना है और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही सवाल कर रही है कि अब भरोसा किस पर किया जाए, शिकायतें आखिर किससे कही जाए। ऐसी परिस्थितियों के बीच में इस मामले में बुरी तरह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फंसी, और वो इसलिए क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कमान स्मृति ईरानी के पास है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी से देश की जनता सवालों का जवाब मांग रही है, और उन्नाव मामले पर पीड़िता की बहन किस तरह स्मृति ईरानी पर निशाना साध चुकी है। जब पीड़िता का इलाज चल रहा था लखनऊ में, तब उसकी बहन से सवाल जवाब जब किए गए, अपने दर्द को बयां करती हुई पीड़िता की बहन ने कहा, साक्षी महाराज आरोपी विधायक से मिलते हैं लेकिन मेरी बहन से मिलने नहीं आए। जब चाचा नहीं है तो हम कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, हम इसी तरह से मार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमारी बात जरूर सुनिए, झूठे इल्जाम जो हमारे चाचा पर लगाए गए हैं उसे वापस लें। चाचा को 307 के मुकदमे में जेल कराई गई है, वो अपने दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने गोली चलाई, वो बाइज्जत बरी कर दिए गए। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में ये कहना है कि अगर ऐसा रहा तो मेरा परिवार नहीं बचेगा। स्मृति ईरानी को लेकर पीड़िता की बहन ने कहा कि स्मृति ईरानी हमारे घर आई लेकिन हमें दिलासा देकर वहां से चली गई। जब हमें धमकियां मिल रही थी तो इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें सुरक्षा दीजिए। पीड़िता की बहन ने स्मृति ईरानी पर सिर्फ और सिर्फ दिलासा देने का आरोप लगाया। और वहां इंस्टाग्राम पर इस वक्त हमारी रिपोर्ट में आप स्मृति ईरानी की एक तस्वीर देख रहे होंगे और इस तस्वीर पर आए कमेंट्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। स्मृति ईरानी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं, अपनी तस्वीरें वहां शेयर करती रहती हैं, और तस्वीरों के शेयर करने के साथ जब उन्नाव कांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश बढ़ा तो स्मृति ईरानी जनता के गुस्से का शिकार हुई। स्मृति ईरानी ने एक तस्वीर पोस्ट की, उसके कैप्शन में शायरी लिखी, और ये तस्वीर अपलोड करते ही देश की जनता ने स्मृति ईरानी से उन्नाव कांड पर जवाब मांगना शुरू कर दिया। देख रहे होंगे आप इस तस्वीर में किस तरह से जनता कह रही है, उन्नाव कांड के बारे में मैडम कुछ बोलिए, बेटी और उसके परिवार को न्याय मिलेगा, उन्नाव पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार कुछ नहीं कह रही, आप क्यों चुप हैं, पंक्तियां उन्नाव पीड़ित के लिए लिख रही हैं क्या, तरह तरह के कमेंट्स जनता ने किए। बता दें आपको, ये इकलौती तस्वीर नहीं है जिसे लेकर स्मृति ईरानी को उन्नाव कांड की वजह से ट्रॉल होना पड़ा हो, क्योंकि उन्नाव मामले पर उनकी चुप्पी ने देश के माहौल में एक बड़ा असर डाला है। उन्नाव कांड पर स्मृति ईरानी की चुप्पी उन्हें पूरी तरह फंसा चुकी है, क्योंकि ये वही स्मृति ईरानी है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कई तरह के सवाल उठाकर उन्हें चूड़ियां तक भेज चुकी थी 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।